हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है प्रवीण और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं काइट एप्लीकेशन में। राइट, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, सो फॉर डूइंग दिस ट्रेंड लाइन वी हैव टू फाइंड आउट सम स्क्रिप्ट सच एज हिंडाल्को। हिंडाल्को यू कैन जस्ट टाइप ओवर हियर इन द सर्च एंड नाउ यू कैन सी इन द सेकेंड ऑप्शन हिंडाल्को इज़ देयर। क्लिक ऑन द प्लस आइकन एंड नाउ इट इज़ एडेड ऑन द लिस्ट। ये लिस्ट में ऐड हो गया है, देखिए। और इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा तो नीचे में आएगा व्यू चार्ट का ऑप्शन। यहाँ व्यू चार्ट का ऑप्शन आएगा। व्यू चार्ट पे नीचे के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको ये चार्ट ओपन हो जाएगा। चार्ट ओपन होने के बाद आपको ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करना है उसके लिए आपको ये सेटिंग का जो आइकन दिख रहा है कोने में, सेटिंग, ये इस पर क्लिक कीजिए। और ये पेंसिल कलर का ये पेंसिल आइकन है, इसको क्लिक कीजिए। ये क्लिक करने के बाद ये सेलेक्ट टूल का ऑप्शन आता है लेफ्ट साइड में। सेलेक्ट टूल यहाँ ड्रॉप डाउन आ जाता है सेलेक्ट टूल करने से। देखो मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे लेफ्ट साइड में सेलेक्ट टूल लिखा हुआ है, जहाँ वन आवर लिखा हुआ सेलेक्ट टूल करो और फिर नीचे आ जाओ। यहाँ पर सेलेक्ट करना है लाइन। लाइन देखो, लाइन का लाइन ये रहा, लाइन है ना, लाइन। सो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए हमने लाइन ले लिया है और लेट्स ड्रॉ द ट्रेंड लाइन। सो ये देखिए, ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए यहाँ से ट्रेंड लाइन बन रहा है। देखिए, एक ये इस पेंसिल पर क्लिक करेंगे और फिर इसको ऐसे ड्रैग करते हुए ये सारा कैंडल को ऐड करते हुए, एक कितने पॉइंट ऐड हुए हैं, एक ये पहला कैंडल, दूसरा कैंडल टच किया है लाइन से, तीसरा कैंडल लाइन से टच किया है, चौथा और पाँच कैंडल लाइन से टच हुए हैं। राइट, देखिए ये हमने ड्रॉ कर लिया है ट्रेंड लाइन। राइट, अब इसको पेंसिल को हटा देते हैं। देखो ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो गया है। अभी क्या था कि ये मार्केट इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए ऊपर जा रहा था। राइट, देखो ये ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए जा रहा था जैसे। फिर अगले दिन क्या हुआ, ये एक जून, 1 जून को क्या हुआ, इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया। एक कैंडल ने ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया। किस कैंडल ने किया, इस कैंडल ने। ये जो यहाँ पे है एक रेड कैंडल का बना और फिर दूसरे कैंडल ने पूरी तरह ब्रेक कर दिया। तो देखिए यहाँ पे अपना एक सेल कॉल भी आ जाता है। यहाँ पे जैसे ही ब्रेक किया इसने, हम लोग यहाँ पे सेल कॉल ले सकते थे। सेल कॉल कहाँ तक लेते हैं, ये यहाँ तक, जहाँ से ये कैंडल सपोर्ट ले रहा है। सपोर्ट ड्रॉ करने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, लाइन की जगह आप ले सकते हैं हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल ले लीजिए और जहाँ ये सपोर्ट ले रहा है यहाँ पर ये ड्रॉ कर दीजिए। क्लिक कर दीजिए, ड्रॉ हो जाएगा। देखिए तो मेरा, हम लोग का दो लाइन ड्रॉ हो गया, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हमने, एक सपोर्ट ड्रॉ कर दिया, सपोर्ट। राइट, तो ट्रेंड लाइन को क्रॉस करके इसने सपोर्ट पे अपना ये सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेने के बाद ये ऊपर गया। ऊपर फिर इसने रेसिस्टेंस फेस किया। सो लेट्स ड्रॉ करते हैं, रेसिस्टेंस को भी ड्रॉ कर लेते हैं। ये चार्ट को हम कर लेते हैं वन डे के, उस पर वन डे करने के बाद देखिए अब सपोर्ट रेजिस्टेंस हम लोग ड्रॉ करेंगे। सबसे अच्छा तरीका है सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने का, ये जो कैंडल दिख रहा है कैंडल को आप कर लीजिए लाइन। लाइन करने के बाद देखिए आपको साफ साफ दिख रहा है कहाँ कहाँ इसने रेजिस्टेंस फेस किया। तो मैंने इस पर क्लिक किया, फिर पेंसिल पे और यहाँ से हॉरिजॉन्टल वाले पे क्लिक कर लिया। हॉरिजॉन्टल ले लिया मैंने और जहाँ ये नीचे में जो सपोर्ट है सपोर्ट पर एक लाइन डाल दिया, एक नीचे यहाँ पे सपोर्ट बन रहा है यहाँ पे डाल दिया, एक यहाँ पे बन रहा है सपोर्ट है ये ऊपर में एक रेसिस्टेंस बन रहा है, एक ये रेसिस्टेंस बन रहा है और ये छोटे छोटे रेसिस्टेंस। देखो इतने सारे रेसिस्टेंस बने हुए हैं। अब मैं हम छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे 15 मिनट के चार्ट में एक्चुअली हुआ क्या है और ये लाइन को कन्वर्ट कर देंगे हम लोग कैंडल में ऊपर से। ठीक है, ये देखो, देखो क्या हुआ, ये हमने ड्रॉ किया था ट्रेंड लाइन सपोर्ट लाइन। देखो ये कहाँ कहाँ इसने सपोर्ट लिया, देखो जहाँ हमने ड्रॉ किया था यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ जा रहा है, इसको ये सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर रहा था। यहाँ पे भी सपोर्ट लिया इसने, यहाँ पे भी लिया, यहाँ पे लिया है लेकिन ये थोड़ा सा आगे निकला है, लेकिन दैट इज़ ऑल्सो सपोर्ट जोन। ये 1 पॉइंट 2 पॉइंट का अंतर है सिर्फ, ये सपोर्ट पे ही है। अब देखो रेसिस्टेंस इसने कहाँ कहाँ लिया है, जो हमने लाइन ड्रॉ किया है उसके जस्ट थोड़ा सा ऊपर हमने रेसिस्टेंस लगाया, वहाँ से
ये रेसिस्टेंस फेस कर रहा है हर जगह पे। एक और दिखाते हैं आपको, रुकिए, एक्चुअल रेसिस्टेंस देखो, ये रेड कैंडल जो बना है इसने, हमारे जो हमने रेसिस्टेंस ड्रॉ किया इसको पूरा रिस्पेक्ट किया इसने। देखो यहाँ पे किया है, फिर यहाँ पे किया है, फिर जो सेकंड वाला रेसिस्टेंस बना हुआ है, ये रेड लाइन दिख रहा है, यहाँ पे भी इसने स्ट्रेट लाइन को सपोर्ट किया है, राइट। ये मतलब रेसिस्टेंस को सपोर्ट करके वो नीचे आ गया है ट्रेड। पीछे अगर हम देखते हैं आके किसने क्या क्या किया, देखो यहाँ पे भी सपोर्ट मतलब रिस्पेक्ट किया इसने मेरे को, जो भी हमने रेसिस्टेंस देखो ये फेस किया, इस लाइन को रेसिस्टेंस फेस किया इसने, जो मैंने ड्रॉ किया उसको, और सपोर्ट फेस किया नीचे में। यहाँ पर भी देखो ये रेसिस्टेंस फेस किया नीचे ऊपर में, और ये नीचे में सपोर्ट फेस किया। सपोर्ट को एक दो पॉइंट ब्रेक करके भी जा सकता है ना, लेकिन अगर फिर वो वापस आ जाता है तो उसको कहते हैं फॉल्स ब्रेकआउट इन डाउनवर्ड साइड, तो ऐसे नहीं चलेगा। देखो अब यहाँ पे एक सेलिंग बना था, ये यहाँ पे ये सपोर्ट पे था, लेकिन इसने ब्रेक कर दिया, और ब्रेक करने के बाद पूरा नीचे आ गया, ये दूसरे सपोर्ट लेवल पे आ गया। देखो फिर सपोर्ट लेवल से इसने बाई करवा दे, बाई करते तो अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है यहाँ पे। सो ये ऐसे ही सपोर्ट और रेसिस्टेंस हम लोग ड्रॉ करते हैं। इसको डिलीट करने के लिए सिंपल लाइन पर क्लिक कीजिए, और डिलीट कर दीजिए सारा लाइन, और एक दूसरा स्क्रिप्ट हम लेंगे अभी, है ना। दूसरा स्क्रिप्ट लेते हैं, चलिए दूसरा होगा, इसको डिलीट करने के लिए इस पर क्लिक कीजिए, दबाए रखिए, और फिर दबाने पे ये खुल जाएगा पेज, इसको डिलीट पे क्लिक करके सेव कर दिए तो ये हट जाएगा। अब दूसरा मान लीजिए हम लोग लेते हैं TCS ले लेते हैं, TCS टाइप करेंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ प्लस एन पे क्लिक कीजिए, और फिर बैक एरो पे क्लिक कर दीजिए, TCS का ये दिख जाएगा आपको, देखो है ना। इसका चार्ट देखने के लिए इस पर क्लिक करो आप, इस पर बस क्लिक कर दो हल्का सा, तो ये नीचे में है आपका चार्ट, बाई सेल के नीचे देखो नीचे लिखा है व्यू चार्ट, इस पर क्लिक कर दो। इस पर करने के बाद अब यहाँ पे अपने करना है सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है। बड़े पहले हम क्या करेंगे, बड़े वन डे का चार्ट ले लेंगे, वन डे के चार्ट पे सपोर्ट रेसिस्टेंस ड्रॉ करेंगे और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। चलिए ड्रॉ करते हैं, तो ड्रॉ करने के लिए पहले हम ले लेंगे लाइन, ट्रेंड लाइन के लिए लाइन ले लेंगे, लाइन लेते हैं, और देखिए यहाँ से मार्केट गिर रहा था, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन डाउनवर्ड की तरफ जा रहा है, तो ये कैंडल के ऊपर लिया हमने। सॉरी, और यहाँ पे हमने इसको ड्रॉ कर दिया, एक ट्रेंड लाइन ये बन गया। हम देखो TCS बहुत दिनों से अप्रैल से गिर रहा था, राइट, अप्रैल गिरा, पूरा मई गिरा, अब ये जून में देखो इसने क्या किया, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दिया है। अब यहाँ से जो भी बंदा बाय करता है ना, इसको अच्छा खासा एक मूव मिलेगा ऊपर की तरफ, जो भी 300-400 पॉइंट का मूव हो सकता है। ये पहला इसका टारगेट तो ये 3500 का है, 35 को अगर ब्रेक कर देता है तो ये 3600 के आसपास जा सकता है, ठीक है। तो अब ये तो हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिया, राइट, कि यहाँ से एक ब्रेकआउट मिल गया। अब हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी ड्रॉ करते हैं कि कहाँ कहाँ सपोर्ट और रेसिस्टेंस ले सकता है ये। अभी देखो जैसे कि 3439 पे है ये, राइट, 3439 पे है, तो ये कहाँ तक जा सकता है, उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे लाइन में कन्वर्ट, कैंडल से लाइन कर देंगे, ये हो गया लाइन, राइट। देखो देखो ध्यान से देखो, ये अपना रेसिस्टेंस के आसपास है, जस्ट रेसिस्टेंस के आसपास है। देखो मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ले रहा हूँ यहाँ पे, देखो मैं कैसे ड्रॉ करता हूँ, देखो ये हॉरिजॉन्टल जो है ना, ये एकदम रेसिस्टेंस के आसपास है, इसका रेसिस्टेंस है आपको 3450 या 56 मान लो आप, हाँ ये अपने बिल्कुल रेसिस्टेंस के पास पे, और नीचे में सपोर्ट इसका बन रहा है, ये जो विग है, विग निकला हुआ है, इसको सपोर्ट मान लीजिए, ये हुआ जो जो पेन जो मतलब निकला हुआ एकदम कोने की टाइप का है ना, उसको वो सपोर्ट और रेसिस्टेंस मान सकते हैं। देखो जैसे ऊपर वाला है ये ऊपर वाला है, इसको आप एज अ रेसिस्टेंस मान सकते हो। एक और ये बन रहा है नीचे बीच में, इसको कर सकते हो आप। देखो छोटे टाइम फ्रेम में, चलो आप दिखाता हूँ मैं, 15 मिनट, 15 मिनट पे आ जाओ। ये देखो 15 मिनट में एकदम परफेक्ट परफेक्ट सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस आपको बन गया है, देख रहे हो। नेक्स्ट डे खुला, नेक्स्ट डे खुलते ही क्या किया इसने, देखो ये आज का ही है, आज है 3 जून, है ना, 3 जून को देखो खुला,
नीचे हमने सपोर्ट देखो कैसे ड्रॉ किया, एकदम सेम रिस्पेक्ट कर रहा हो। सो अभी आपने देखा कि ये इसने जो हमने ड्रॉ किया इसको इस रिस्पेक्ट कर रहा था, कोई सपोर्ट पे सपोर्ट लिया इसने, रेसिस्टेंस पे रेसिस्टेंस लिया। सपोर्ट पे अगर हम लोग बाई कर लेते मान लो, ठीक है देखो मान लो आप गलती से भी जो सपोर्ट हमने ड्रॉ किया 53 पे बाई कर लेते तो कितना नीचे आया, ये कितना नीचे आया, ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 पॉइंट नीचे आया राइट। उसके बाद अगर मान लो ये सपोर्ट के ऊपर आप बाई करते राइट, थोड़ा सा ऊपर जो जब कैंडल आ जाता है तो यहाँ बाई कर लिया जो मैंने 54 से आप देख देख कि जब तक ग्रीन कैंडल बना है 3471 तक एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाता आपको। इवन ये देखो रेसिस्टेंस पे अगर आप सेल कर देते ऊपर में तो वहाँ से मार्केट गिरते गिरते आया यहाँ तक, देखो कितना प्रॉफिट आया उसने, देखो सपोर्ट को ही ब्रेक कर दिया तो देखो कितना प्रॉफिट आया। और कहाँ इसने इसने अपने आपको कहाँ रखा, यहाँ पर इस दूसरी कैंडल के टॉप पे रुका इसने अपने आप को आके। सो ऐसे हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं राइट। सो इस पर कोई आपका कमेंट हो सो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं कि कैसे, और कोई भी इश्यूज़ हो कोई भी चैलेंज हो आपको तो आप मेरे को कमेंट में डाल दीजिए, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। और मेरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरे चैनल का नाम है टेक्निकल ज्ञान विद प्रवीण, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक ज़रूर कर लीजिए, सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा तो अच्छा व्यू भी मिलेगा मेरे को, है ना। सो प्लीज़ आप शेयर भी कर दीजिए इसको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।